वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। सुबह से जब से ये निर्णय आया है उसके बाद से सधी हुई प्रतिक्रियाएं, और एक बार हम जल्दी से राजीव प्रताप रूडी से भी उनकी प्रतिक्रिया पहली ले लेते हैं। राजीव जी, देखिए आज का ये निर्णय जो है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं तो इसको कई दूसरे विषयों से, दूसरे रूप से भी देखना चाहता हूँ। और अभी जो अभिषेक मनी सिंघवी जी ने कहा, देखिए कितना ही संयमित देश भक्त जो भी होगा, चाहे किसी राष्ट्र किसी राजनीतिक पार्टी में, उन सबका सोच एक ही प्रकार से होगा। और ये सैकड़ों वर्षों का विवाद जो चला आ रहा था, आज देश को कितना राहत मिला है जब ये बड़ा निर्णय उच्चतम न्यायालय ने सुनाया। पहले भी कई सारे प्रयास किए गए, उच्चतम न्यायालय ने आर्बिट्रेशन की भी बात कही, नहीं कामयाब हुआ और एक जजमेंट। और मैं समझता हूँ इस निर्णय के आधार और ये 1400 पन्ने या 1200 पन्ने का जो है, ये जैसे सिंह साहब ने बताया, ये बड़े सोच समझ के दिया गया। लेकिन मुझे चिंता इस बात की, आज मैंने एक नेता का बयान सुना जिसने शायद अपने ऊपर दायित्व ले लिया कि पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व उसके पास है, और उसने ये कहा कि संविधान सर्वोपरि है और उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन उसके निर्णय पर उन्होंने भरोसा नहीं जताया। और इस प्रकार से आंदोलित करने का जो उन्होंने प्रयास किया, मुझे उसी समय चिंता हुआ, क्योंकि जब से ये निर्णय आया है उसके पश्चात भी लगातार ये दिख रहा था कि देश भर के लोग ने बड़े संयमित ढंग से इस विषय पर अपना वक्तव्य दिया। लेकिन उस नेता ने जो अपने आप को आके प्रेजेंट किया, मुझे उसी समय दिखा कि ये पूरे इशू को ट्विस्ट देना चाहेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बहुत सारे टीवी पैनलिस्ट, सभी लोगों ने, अभी तक मैंने कई साधु संतों को भी बोलते हुए सुना है, और जिनकी ये लंबी लड़ाई थी जो वो कामयाब भी हुए, लेकिन सब संयमित हैं। लेकिन बीच में कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा कर देना, कभी उस धरती पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय, सुप्रीम कोर्ट 5 एकड़ दे 50 एकड़ दे, उसी स्थान पर वो हम लोगों ने सबने तय किया था, और सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पक्ष और विपक्ष लगा। मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, जब से मैंने होश संभाला, इन विवादों के बारे में मैं टीवी डिबेट से लेकर पार्लियामेंट के भीतर असेंबलीज में इसकी चर्चा सुनता रहा, और इसका राजनीतिक उपयोग सदैव किया गया है। अब एक समय आ गया कि आने वाली पीढ़ियों को इन सब विषयों से परे हट करके नए भारत के निर्माण में उनकी भूमिका होगी। जिन बच्चों का जन्म कल हुआ था या कल होगा, उन सबको इन सब चीज़ों से हम लोग दूर ले जा करके एक अच्छे भारत में, जिसमें एक, और इस बात को हम कई बार भूल जाते हैं कि दुनिया में सबसे दूसरे बड़ी आबादी के मुसलमान भारत में रहते हैं, और कोई भारत में, चाहे वो संघ के लोग हों, भाजपा के लोग हों, या किसी राजनीतिक दल में, ये दूर दूर तक कल्पना नहीं की जा सकती है कि मुसलमान इस देश के अभिन्न अंग नहीं है और हम उनके साथ अलग कोई एजेंडा लेके चलते। देश सबका है, संविधान सबका है, सुप्रीम कोर्ट सबका है, और निर्णय देश का है जिसे सब वर्ग ने स्वीकारा है। तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होगा, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से भी हो, मैं समझता हूँ कि इस बड़े निर्णय के साथ होगा, और ये देश के हित में एक बड़ा निर्णय हुआ है जिसे सबको स्वीकारना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा विषय है, तो निर्णय और तथ्य सुप्रीम कोर्ट के पास है, और आपको अगर कोई लगता है तो टेलीविजन चैनल पर ना आकर बेहतर कोई, अगर एपेलेट की व्यवस्था हो, जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ कि कितनी बड़ी एपेलेट की व्यवस्था अब इसके बाद है, तो आपको जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकार के पास हमेशा ये अधिकार था कि सभी विषयों को छोड़ करके आज हमारे पास बहुमत है, कानून बना दे, लेकिन सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और देश की सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया। और ये निर्णय क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन था, हम लोगों ने भी शुरू में कहा, और सभी सुलझे हुए देश के नेता, चाहे हमारे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इस मुद्दे पर उन लोगों ने भी अपने तथ्य लगे रखे थे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा निर्णय, एक अच्छा निर्णय देश के और भविष्य का और पीढ़ियों के लिए एक अच्छा निर्णय है, जो देश को, और आज कोई ऐसा विषय नहीं कि हम जीत गए और कोई हार गया, एक निर्णय है। एक पक्ष को कई बार लगता है कि ये निर्णय हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन निर्णय निर्णय होता है, और निर्णय हर व्यक्ति को स्वीकार्य होता है। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट हैज एडमिटेड दैट इट्स नॉट इनफैलिबल, ये सब तर्क ला करके किसी संस्था को आप सीमित करना चाह रहे हो, छोटा दिखाना चाह रहे हो, ये भी पूरी तौर से अस्वीकार्य है। नहीं, बड़ी बात है कि नया हिंदुस्तान अगर हम कह रहे हैं, न्यू इंडिया कह रहे हैं, तो हमारी नई पीढ़ी को कम से कम ये द्वंद्व, ये लड़ाइयाँ, ये सब नहीं देखना चाहिए, अब आगे की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन हरिशंकर जयंत जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ ये कि जब 2010 का फैसला आया था,
उस समय तीनों पार्टियां गई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, तब से लेकर उस समय भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा था कि ये आइडियल फैसला है, तीनों को बांट दिया गया है, लेकिन जो नाराजगी थी उसे लेकर गए, तर्क दोनों पक्षों ने दिए हैं, आज भावना की बात क्यों आ रही है? देखिए, भावनात्मक इशू है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये भी सही है कि फैसला हुआ है, हम सबको मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो रुकती नहीं है, जो आगे के विकल्प हैं वो हमको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे 5 एकड़ ज़मीन को दी गई, उससे हम लोग थोड़ा क्षुब्ध हैं, मैं खुद उस 5 एकड़ ज़मीन के मामले को भी पूरा ज़मीन पढ़ने के बाद निर्णय लूँगा कि वो मुसलमानों को दी गई है वो गलत दी गई है, उसका औचित्य नहीं था, और दी भी इसलिए गई कि जैसे हमारे पीएन मिश्रा साहब बैठे हुए हैं या कुछ हिंदू लोग थे, उन्होंने पता नहीं क्यों एक मेमोरेंडम साइन कर दिया कि इसमें से कुछ एक जगह मुसलमानों को दे दी जाए, उससे प्रभावित होकर उससे सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया हो, पर पूरा जब मैं पढ़ूंगा और हो सकता है कि हम लोग इसके खिलाफ अपनी बात कहें वो मामला चलेगा, परंतु इसके साथ साथ जो फैसला हुआ है उस फैसले में किसी को कोई उंगली सुप्रीम कोर्ट पर या लॉ एंड ऑर्डर लेके यहाँ के मामले में नहीं उठाना चाहिए, बस सही है, परंतु हम लोग जो लीगल कोर्स है और जिस बात से संतुष्ट हैं उसको उठाने का संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। जैसे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था हम लोग छुप थे और सब पार्टियाँ छुप थी कि 300 में क्यों बांटा, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत किया, हाईकोर्ट का फैसला गलत था और कहा 300 में बांटना गलत था क्योंकि रामलला की ज़मीन थी, बांट नहीं सकते थे। अब आज इसमें मामला केवल इतना बचा है कि जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है वो 5 एकड़ ज़मीन देने का औचित्य क्या है, अरे मैंने जज़मेंट पढ़ा नहीं है, मैं पूरा जज़मेंट पढ़ूंगा। विष्णु जैन जी भी यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि चूंकि ढांचे को ढहाने को लेकर गलती मानी गई इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ कंसोल कर दिया है, दिया जाए 5 एकड़। आप सही कह रही हैं, परंतु पूरा जमीन पढ़ने के बाद देखा जाएगा, हम लोग विचार करेंगे कि इसका कि आप इसे भी चैलेंज कर सकते, मतलब हाँ, विचार करेंगे कि 5 एकड़ को चुनौती दी जाए या न दी जाए, इस मुद्दे पर अभी हम लोग का मामला विचाराधीन रहेगा। जी देखिए, जैसे जैन साहब कह रहे हैं कि ये चैलेंज कर सकते हैं तो वैसी साहब भी वैसे ही चैलेंज कर सकते हैं, दोनों को हक है जी, लेकिन हम ये कहेंगे कि इस देश के लिए और इस देश की जनता के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हम दोनों हिंदू मुसलमान इस देश की ही संतान हैं, भारत की दो आँखें हैं हिंदू और मुसलमान, हम उन दोनों आँखों से इस देश को देखेंगे तभी देश ये उन्नति और विकास की तरफ चलेगा। फैसला हुआ है, फैसला होगा, और आगे एक वकील साहब चले जाएंगे तब भी फैसला अदालत को ही करना होगा, फैसले होते हैं। हम मुसलमानों से ये कहेंगे कि आप कुरान में कहा इन्नल्लाह मा साबरीन, कि आप सब्र करो, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, ये घर हमारा, हम मालिक नहीं थे इस मस्जिद के, हम केयर टेकर थे, हम उसकी देख रेख करते थे, हमने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ी, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, लेकिन इस अदालत के ऊपर एक और अदालत है, उसके फैसले का भी हमें इंतजार करना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ जी। ये जो लॉ पॉइंट आप बार बार कह रही हैं वो दर्शकों को बिल्कुल क्लैरिटी से पता होना चाहिए, वास्तव में जो ओवैसी कह रहे थे भावना का विषय तो जरूर था, परंतु कोर्ट ने 40 डेज की मैराथन हियरिंग के बाद, और आप देखिए 72 घंटे राजीव धवन जी ने बहस की, मतलब सुन्नी वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से सुना गया, जबकि पारासरन जी जो थे उनको सिर्फ 11 घंटे सुना गया, वो सेटिस्फाइड थे 11 घंटे के बाद भी। तो आपको मैं 3-4 एक्ट बताना चाहता हूँ, लिमिटेशन एक्ट बिल्कुल पूरी तरह से एप्लीकेबल हुआ, जिस पर कि निर्मोही हकाड़े के क्या आपने जो है लिमिटेशन एक्ट को पूरा नहीं किया, इसलिए उनके केस को बर्खास्त किया गया। सेकंड, आप देखिए कि जो बात जिलानी जी कह रहे थे कि भाई मस्जिद जो थी वो तो कम से कम हमें मिलनी चाहिए थी, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसको परासन जी ने डिटेल में आर्ग्यूमेंट्स किए थे, आई वाज देयर ओनली इन द कोर्ट, कि ड्यूअल राइट जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं श्वेता जी। ड्यूअल राइट मतलब स्ट्रक्चर का राइट अलग और जमीन का राइट अलग। स्ट्रक्चर बाबरी मस्जिद बनी थी पर जमीन रामलला की थी, रामलला की जमीन थी इसलिए रामलला को दे दी गई। हाँ, स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर की बात जैसे आप बता रही थी, आपको 5 एकड़ जमीन मिल गई है, उसी तरह टाइटल सूट के बारे में डिटेल में बात की गई, इसी तरह एडवर्स पोजीशन के बारे में बात की गई, पूरा लॉ पॉइंट पर बात हुई 40 दिन तक लगा था। जफर इकबाल अंसारी, कम से कम फैसला आने से पहले जो उन्होंने कहा था उसी बात पर वो यहाँ पर कायम है, उन्होंने कहा था कि जो भी फैसला आएगा कबूल होगा और वो उसे खुले दिल से कबूल कर रहे हैं, लेकिन जो जफरयाब जिलानी ने कहा है मैं एक एक करके आप सबकी प्रतिक्रिया उस पर चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारी एविडेंस को कंसिडर ही नहीं किया गया,
जफर याब जिलानी साहब जो कह रहे हैं वो उनका अपना बयान जो हाई कोर्ट में दिया गया है, जो जजमेंट में दर्ज है कि मेरे पास बाबर के समय से लेके 1856 तक वहाँ नमाज पढ़े जाने का कोई साक्ष्य नहीं है, उसके बाद विचार करें। इसका मतलब ये है कि जब वो एक तरफ कहते हैं कि बाबर ने बनाया मस्जिद और 400-500 बरस की मस्जिद है 500 बरस की, और उनके पास साक्ष्य 1800 बोलते हैं 56 के बाद कंसीडर करिए, तो साक्ष्य उनके पास था ही नहीं। जब साक्ष्य था ही नहीं तो वो साक्ष्य कंसीडर क्या किया जाएगा। बाकी हिंदुओं की ओर से साक्ष्य दिए गए, जहांगीर के समय में जो है विलियम फ्लिंच आए, यूरोपियन ट्रैवलर थे, उन्होंने लिखा कि वहाँ पर जो है हिंदू पूजा कर रहे हैं। विलियम फ्लिंच के बाद में फिर उसके बाद टिफिन थेलर आए 1770 में, उन्होंने लिखा हिंदू पूजा कर रहे हैं। औरंगजेब का कमांडर था निकोलो मनुची, उसने कहा कि औरंगजेब के आदेश से वहाँ पर अयोध्या का मंदिर गिराया गया, लेकिन पुनः हिंदुओं ने कब्जा कर लिया तुरंत और उस पर पूजा करने लगे 1670 में, उसने गिराने की बात लिखी है निकोलो मनुची ने। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास तो शुरू से साक्ष्य रहे, उन साक्ष्यों को कंसीडर किया गया। सारे गजेटियर में 1828 ईस्वी का जो गजेटियर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें तक लिखा है कि वहाँ पर भगवान राम सीता लक्ष्मण का मंदिर है, रामकोट में जन्मभूमि पर हिंदू पूजा करते हैं। पहली बार 1858 के गजेटियर में ये बात आई कि वहाँ पर इनर कोर्ट यार्ड में हिंदू मुसलमान दोनों साथ पूजा करते हैं, वहाँ भी ये नहीं आया कि खाली मुसलमान करते। तो वो गजेटियर को नहीं उनके साक्ष्य मानेंगे, वो ट्रेवलर्स वृत्तांत को साक्ष्य नहीं मानेंगे, ईएसआई को नहीं मानेंगे, तो आखिर साक्ष्य है क्या जी? मौलवी साहब देखिए, जफर याब जिलानी साहब का कहना और ओवैसी साहब की जो प्रतिक्रिया थी इसके ऊपर, हालात बदलते गए, परिस्थितियाँ बदलती गई। 1857 में क्या था, उसके बाद 47 में क्या हुआ, उसके बाद फिर 92 के अंदर जो कुछ हुआ, उन तमाम चीज़ों को सुना गया, समझा गया और महसूस किया गया। और इस मुद्दे को उलझाना चाहें तो अभी 100 साल और उलझ सकता है। सरकार की इच्छा थी कि मुद्दा हल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने वार्ता कमेटी बनाई, वार्ता कमेटी ने बेइंतहा कोशिशें करी, हर हर शख्स तक गए, ग्रास लेवल तक गए, मगर इन्हीं विचारधारा के विमंश ने जो आज और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इन्होंने ही इन मुद्दे को भाईचारे के जरिए हल नहीं होने दिया। वरना कोशिश हमारी ये थी इस मुद्दे को हम आपसी भाईचारे के साथ, बगैर हार जीत के, बगैर किसी दुश्मनी के, देश की एकता के लिए इसको हल कर लें। मगर आज फिर वो इसको देश के मुसलमानों को, देश के हिंदुओं को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो ये कह रहा है कि 5 एकड़ ज़मीन क्यों दे दी, कोई तो ये कह रहा है कि आस्था को फैसला कर दिया गया, मगर इस वक्त में इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता था। इसको बाकायदा मंथन के बाद, सबकी दिली राय जानने के बाद, देश के आम हिंदू मुसलमान का दिल टटोलने के बाद और हर मोहल्ले गली में जाने के बाद महसूस किया गया कि भारत के लिए इससे बेहतर फैसला कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैराथन जो सुनवाई हुई और 1 महीना जजमेंट को लिखने में लगा और आज ये फैसला हो गया। अब अगर जो लोग इसको दोबारा उखाड़ते हैं या दोबारा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो मेरा ये मानना है वो दोबारा देश के को जो है दोबारा जो है खाई में ले जाना चाहते हैं, जो दीवारें हैं उनको और बढ़ाना चाहते हैं। इस मसले को, इस फैसले को हमें देश की एकता के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर कोई और मुद्दा ना उठे, क्योंकि देश की स्थिति ये नहीं है कि हम रोज़ नए मुद्दे पैदा करते रहें। आने वाली नस्लें हमारी हमसे जवाब मांगेंगी, गिरबान पकड़ेंगी कि विरासत में अब हमें क्या देके जा रहे हैं। हम जिन लोगों ने ये मुद्दे यहाँ तक पहुँचाए थे उनसे पूरा देश नाराज़ है, मगर आज हम अगर समझदारी के साथ, एकता के साथ इस मुद्दे को हल की तरफ ले जाएंगे तो देश हमारा एहसान मानेगा और तारीख के अंदर ये दिन जो है एक तारीखी दिन के रूप में जो है माना जाएगा जी। और इसकी हर साल लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।